हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के हमने लास्ट वीडियो में एक यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, 21 तक, ठीक है। अब इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम। कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई का। मीन्स ये मंथ जुलाई का नहीं चल रहा है, मतलब हम करंट एजुकेशनल अफेयर्स जो कर रहे हैं वो जुलाई का कर रहे हैं, जुलाई 2022, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। विच इंस्टीट्यूशन है डिजाइन अ मैकेनिज्म टू इनएक्टिविटेट एक्टिवेट सार्स को टू? ऑप्शन नंबर ए ISC बेंगलुरु, ऑप्शन बी IIT भोपाल, ऑप्शन सी IIT इंदौर या ऑप्शन डी IIT दिल्ली। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए ISC बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर, यहां से 22 से सीधा हम 24 पर आ गए, मीन्स एक क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन गायब नहीं है, नंबरिंग गलत है जो अक्सर हमारी PPT में होता है। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर पार्टिसिपेशन इन द EVBAB, ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती। ये इसका फुल फॉर्म है, EVBAB जो लिखा हुआ है ये इसका फुल फॉर्म है, ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट। किसका है ये, किसके साथ इसने साइन किया है इंडिया ने? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मेडागास्कर या ऑप्शन डी चाइना। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है सी मेडागास्कर, चाइना मत लगा दीजिएगा, ठीक। हालांकि ऑप्शन में मुझे नहीं डालना चाहिए था, कुछ और डालना चाहिए था, चाइना के साथ तो वैसे भी नहीं होगा, तो खैर ठीक है, मेडागास्कर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच स्टेट हैज रिलीज्ड अ रोड मैप टू इन्वेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आसाम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी मेघालय। देखिए इसमें जो ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप एक बार कोई स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इंटरनेशनल है, मतलब दूसरे देश के साथ है, दूसरे देश के साथ है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं एक बार में, हालांकि स्किप भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा, आसाम होगा, मिजोरम होगा, नागालैंड होगा या फिर मेघालय होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर है मेघालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलपमेंट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल PIVOT, पिवोट इसको बोल सकते हैं या पाइवोट, दैट कैन प्रिडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स? किसने डेवलप किया है पिवोट? ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT मुंबई या ऑप्शन डी IIT बेंगलुरु। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, IIT से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, एक लिस्ट बनाइए सारे इनिशिएटिव की जो IITs के हुए हैं और उनके आगे मेंशन कर दीजिए उनके नाम और उसको अपने टेबल के सामने पेस्ट कर दीजिए, सारे याद रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 26 है और ये भी क्वेश्चन नंबर 26 है और क्वेश्चन भी सेम है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। मिशन वात्सल्य विच वाज सीन इन द न्यूज इज अ स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मिशन वात्सल्य, ठीक है, ये स्कीम किसकी है, मतलब मिशन वात्सल्य? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी आयुष या ऑप्शन डी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, यूटीज। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी केरल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड $2 मिलियन इन ग्रांट टू इंडिया फॉर एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए सेल्सफोर्स, ऑप्शन बी इंफोसिस या ऑप्शन सी विप्रो या ऑप्शन डी टाटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल्सफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वाराणसी डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इन एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ऑप्शन नंबर एजुकेशन, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर या ऑप्शन डी फाइनेंस। वाराणसी डिक्लेरेशन करेक्ट आंसर है एजुकेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31, विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी कोर्स ऑन कास्ट अवेयरनेस। किस IIT ने इंट्रोड्यूस किया है मैंडेटरी कोर्स ऑन कास्ट अवेयरनेस पे। तो ऑप्शन नंबर ए IIT मुंबई, IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT मद्रास या ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी IIT भुवनेश्वर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री अनाउंस्ड 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन ऑनर ऑफ इंडिया 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर ए USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी UK। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट यूटी इंट्रोड्यूस न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, देशभक्ति एंड इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली या ऑप्शन डी केरल। नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है असेसमेंट करने का, जिसमें इंक्लूड रहेगा हैप्पीनेस, देशभक्ति और इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। बच्चे का देखा जाएगा कितना वो खुश है, कितना देशभक्त है और कितना उसमें इंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी न्यू दिल्ली, डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा जुलाई का मंथ। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें हम करेंगे जून का करंट एजुकेशनल अफेयर्स। ठीक है, बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।